है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। बलिया जिगड़ी सन में गौशाला केंद्र पर लगाए गए सफाई कर्मचारियों को हटाने एवं तैनाती की ग्राम पंचायत में भेजने को लेकर सफाई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। मनियर ब्लॉक कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में पहुंचे सफाई कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष बलिया चंद्रशेखर यादव नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन जारी। मांगे पूरी नहीं हुई तो डीएम कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में सफाई कर्मी करेंगे धरना प्रदर्शन। बड़े भाई राजकुमार जी यहाँ उपस्थित बलिया जनपद के हजारों हजार कर्मचारियों के नेता और सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष हम लोग के गार्जियन बड़े भाई अजय चौबे जी यहाँ उपस्थित सफाई हम लोग के जिला कोषाध्यक्ष भाई विनय सिंह जी यहाँ उपस्थित हम लोग के राज्य कर्मचारी संघ के संबंधक संगठन चलता है जिसका संरक्षक बलवंत कुमार सिंह स्वर्गीय बलवंत कुमार सिंह थे उनके हम लोग सिपाही हैं। हम लोग पैदरी चोरी करने वाले लोग नहीं है। रही बात थानाध्यक्ष महोदय का तो मैं इस कड़ी के माध्यम से बड़ी निंदा करता हूँ। जो आपको बात करना होता तो इस विकास खंड में आकर वीडियो साहब और रेडियो साहब के साथ हमारे संरक्षक के हमारे संगठन के सम्मानित प्रधानमंत्री और इस बड़ा के सम्मानित अध्यक्ष के साथ आप वार्ता करते और वार्ता के साथ वो समस्या हल हो जाती। आप अपना सर हम सत्यराम जिला सफाई कर्मचारी संगठन के मंत्री हैं यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। सर जिगड़ीसर में जो हमारे कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हुआ है मैं उसकी पहले घोर निंदा करता हूँ। सर 24 तारीख को रात को सोलर की 4 बैटरी चोरी गई थी जिसमें प्रधान द्वारा अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस का काम है जब अज्ञात मुकदमा दर्ज है तो पहले मुकदमा को मैंने कार्य उसको छानबीन करें और जब हम दोषी पाए जा रहे हैं तो उसमें हमारी कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस ने थाना एसओ के माध्यम से हम बुलाने का काम किया कहाँ के खेजुरी और वहाँ पे जो एसआई थे हमारे कर्मचारी पर जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। क्या नाम था एसआई का? एसआई का नाम कोई पटेल है सर सूर्यपाल पटेल। सूर्यपाल पटेल और जबरदस्ती कहा जा रहा था कि तुम लोग कहो कि नहीं मैं बैटरी लिया हूँ। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है कि पहले मामला को छानबीन करे अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई हो। ये नहीं कि कोई कर्मचारी है हम राज्य कर्मचारी हैं और हम दो बरिस से गऊ का सेवा कर रहे हैं और हम पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये धरना करने के लिए बाध्य रहेंगे। को लेकर यहाँ पर धरना किया गया? मैं सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव। मुझे मोबाइल द्वारा ये संदेश हमारे जिला के महामंत्री भाई सचदेव जी ने बताया विकास खंड मनियर में हमारे 6 सफाई कर्मचारी साथियों को जिगड़ीसर ग्राम पंचायत में गौशाला पर संबंध किया गया था जिसमें वहाँ बैटरी चोरी हो गई है और वो बैटरी चोरी का इंजाम हमारे सफाई कर्मचारी साथियों को लगाया गया है। ये कहीं भी सत्य नहीं है इसलिए हम लोग आज विकास खंड मनियर का घेराव किए हैं कि हम लोग सरकार के एक सच्चे सिपाही हैं और हम लोग सरकार की नीति को आगे बढ़ाने के लिए गौशाला पर हम लोग अटैच थे और हमारे साथ ही आज तक पूरे जनपद में हम लोग एक ईमानदार सिपाही के तहत काम करते हैं और हम लोग बैटरी हमारे साथी नहीं चुराए थे और इन लोगों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न की जा रही है इसको लेकर हम लोगों ने विकास खंड मनियर में आज घेराव किया। क्या मांग है आप? हम लोग की मांग है कि वहाँ से तत्काल हमारे सफाई 6 सफाई कर्मचारियों को हटाया जाए और अंधा इस विकास खंड ही नहीं पूरे जनपद से गौशाला से हमारे कर्मचारियों को हटाया जाए ताकि हम लोग गाँव की साफ सफाई सुचारू रूप से कर सकें। अन्यथा हम लोग ये लड़ाई विकास खंड मनियर से लेकर और जिला तक लड़ने का काम करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हम लोग के बीच सहायक विकास अधिकारी महोदय ने आकर यह आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जो
पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, ये आज के बाद नहीं की जाएगी और वहाँ से उस कर्मचारियों को हटाया जाएगा। तो आगे जो हमारे इस ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष और जिला के महामंत्री भाई सचदेव जी हैं, जो निर्णय लेंगे इसको हम लोग जिला पर लेकर इसको पालन कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।